वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसे शॉर्टली एएलपी भी बोलते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारा लीवर तैयार करता है, इसे किडनी और इंटेस्टाइन भी तैयार करता है, बट सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग का लीवर तैयार करता है। इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है? इसका मेन वर्क जो होता है वो आपके जो प्रोटीन्स जो होते हैं उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करना होता है। हम लोग को ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एएलपी का क्या सिम्टम्स होगा किसी पेशेंट में, तो डॉक्टर उसे एडवाइस करेगा किसी पेशेंट को। अगर किसी का एएलपी बढ़ा या घटा है या कोई पेशेंट को किसी तरीके की दिक्कत है तो कैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए, अगर किसी को जीबी स्टोन है तो एएलपी बढ़ सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो बढ़ सकता है, हेपेटाइटिस इशू है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, तो लीवर किडनी डिजीज में लगभग आपको ये देखने को मिलेगा कि एएलपी एडवाइस करते हैं डॉक्टर। विटामिन्स की कमी और माल न्यूट्रिशन की कमी में भी अगर आप देखेंगे तो एएलपी डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये टेस्ट कैसे रन किया जाता है, ठीक है, और नॉर्मल रेंज भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मेल में अगर 1 से 12 साल का बच्चा है तो उसमें 54 से लेकर 369 तक होता है, 22-59 ईयर्स में 53 से 128 तक, इसके बीच में अगर आए तो नॉर्मल है, और 60 ईयर से एबव जो है उनका 56 से 119 के अंदर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो इनके बीच में ये जो अगर रिज़ल्ट आता है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा या कम आता है तो एबनॉर्मल है। वहीं हम लोग को फीमेल में भी एज के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल और नॉर्मल रेंज है। देखिए, 4 से 15 साल के बच्चियों में 54 से लेके 369 और 20 से लेके 59 ईयर्स में 42 से 98 और 60 एबव से 53 से 141 जो है नॉर्मल रेंज है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेल में बच्चों को और बड़ों को दोनों को दिखाया गया है, इनका नॉर्मल रेंज अलग होता है, ठीक है, और फीमेल में भी वही चीज़ है, एज के अकॉर्डिंग इसका नॉर्मल रेंज है। तो हम लोग टेस्ट कैसे रन करेंगे हम लोग ये भी देख लेते हैं। टेस्ट रन करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए 500 रिएजेंट और सैंपल में 10 माइक्रोलीटर डालकर मिक्स करके आपको पिला देना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा देर का ये टेस्ट है भी नहीं। तो हम लोग आज अरवा का किट यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा रिएजेंट है, देख लीजिए, इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये ट्यूब आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई ये स्टैंडर्ड बेस्ड टेस्ट नहीं है, आपको बस कोई एक जो है इसमें डब्बा निकालना है और टेस्ट रन करना है, जैसे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अभी। देखिए, इसमें मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये टेम्परेचर में अगर आ जाए तो ही इसको टेस्ट को रन करते हैं। जैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो टेम्परेचर में आ जाने के बाद ही हम लोग इस टेस्ट को रन करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं ये बता दूं कि जो एएलपी जो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए केवल अगर एएलपी, वैसे अधिकतर इसे लीवर किडनी या इस तरीके की बीमारियाँ जो होती हैं उसमें ही लिखा जाता है, तो लगभग एलएफटी ही लिख दिया जाता है। तो एलएफटी के अंडर आता है तो ठीक है, तब तो ज़्यादा ही सैंपल की ज़रूरत होती है, कम से कम 3 ml। लेकिन अगर केवल एएलपी लिखा जा रहा है, केवल यही टेस्ट एडवाइस किया जा रहा है किसी पेशेंट को, 1 ml भी काफ़ी है। आप उसको प्लेन वायल में ले लीजिए, जो रेड वायल होता है उसमें ले लीजिए 1 ml, और जब क्लॉट हो जाए तो उसको सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ, मैंने ये सैंपल सेंट्रीफ्यूज कर लिया है अभी। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखिए, ये सीरम जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है केवल 10 माइक्रोलीटर की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे रन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वॉश कर लेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया है कि देखिए टेस्ट रन कैसे करना है। रिएजेंट जो है आपको 500 माइक्रोलीटर इसमें से निकालना है और एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, और पेशेंट का जो सैंपल है इसमें से 10 माइक्रोन डाल के मिक्स करके और इसे पिला देना है। बहुत ही इजी है।
ठीक है। तो चलिए हम लोग रन करके दिखाते हैं आपको। 500 इसमें से और सैंपल में से 10 माइक्रोन केवल। तो ये हमारा 500 रिएजेंट हो गया, आप देख सकते हैं। तो रिएजेंट हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए, केवल 10 माइक्रोन सीरम जो है इसमें डाल के इसको पिला देना है। तो रिएजेंट हम लोगों ने ले लिया है 500 और 10 माइक्रोन सीरम लेना है। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने मशीन को रेडी कर लेंगे। देखिए ALP कहाँ है, यहाँ ALKP दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर लेंगे। ये फाइल खुल जाएगा। फाइल खुलने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ये आपको बोलेगा 1000 मतलब 1 ml डिस्टिल वाटर पिलाने के लिए। तो कभी भी मशीन मांगता है अगर वहाँ लिखा हुआ तो यहीं से क्लिक करना है। वाश के लिए अलग बटन दिया हुआ रहता है। तो जैसे हम लोग का ये भी काम कंप्लीट हो गया, कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद आपका मशीन रेडी हो जाएगा। देखिए हम लोग का मशीन रेडी हो गया है, सैंपल रिक्वायरमेंट यहाँ दिखा रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 500 में 10 माइक्रोलीटर डालेंगे और पिलाएंगे। और मैंने ये सैंपल निकाल लिया है, ठीक है, और इसमें मैं मिक्स कर दूंगा इसे। मिक्स करने के बाद ये देखिए सैंपल रिक्वायरमेंट दिखा रहा है, आप यहाँ से इसको इसे पिला दीजिए। और यहाँ से ग्राफ उठना चालू हो जाएगा। ग्राफ बेसिक टेस्ट है, ये ग्राफ पे बेस है, तो इसका ग्राफ अच्छा आना चाहिए। वेट करते हैं हम लोग। हमारा ग्राफ बनना चालू हो गया है। हमारा मशीन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पहले ही एनालाइज करके दे देता है। देखिए लगभग 71.8 इसका रिज़ल्ट, इसी के आसपास लगभग रिज़ल्ट आएगा। और 21 सेकेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्राफ चल रहा है। सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री नाइन। और ये एक मेल का है, तो आप देख सकते हैं लगभग वही 28 का एज है, 28 साल का उम्र है। आप देख सकते हैं मेल में ये नॉर्मल रेंज के अंदर में है 74। तो आप लोगों को मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टेस्ट को रन करते हैं। काफ़ी इजी है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपको क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी का कमेंट्स देखता हूँ, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।